मैं इंदौर विशेष पंच पंचायतल कार्यक्रम का हूँ और ये जो आज का जो हमारी मीटिंग है इसका है मकसद है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इसलिए हमने ये सारे डिपार्टमेंट बुलाए होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले आ गए या हॉर्टिकल्चर वाले आ गए, इनका क्या प्लान है, इनका क्या काम है, कैसे करना है, जैसे बीज के बारे में जो बोलते हैं या इनका मतलब होता है कि ऐसे बर्मी कंपोस्ट पिट बनाओ या मतलब बोर वेल लगाओ, जो एग्रीकल्चर वाले हैं बोलते हैं वो भी हम मतलब उसके लिए भी हमने 4 लाख रुपया रखा है बोर वेल के लिए। तो एक हमारा लग गया है, 50% पैसे इन्होंने रिलीज किए थे जिस हिसाब से, तो एक तो हमारा लग गया है, दूसरा भी हमने उसके लिए हमने रिकमेंडेशन कर दी है, एप्लीकेशन पेंड कर दी है किसी बात की। तो ऐसे ही है, हॉर्टिकल्चर वाले आए हैं इनका जो है कोई अलवेरा लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ या मतलब अपने दूसरे प्लांट्स वगैरह नींबू वगैरह मैंगो वगैरह ऐसे लगाओ उसके लिए। और ये हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के आए थे यहाँ, उन्होंने बोला कि हमारे पास स्कीमें हैं कि गवर्नमेंट जब फार्मर जो है 3 लाख जगह देता है तो जनरल जो कहता है कि जनरल वाले हैं उनके लिए हम 30,000 देते हैं, 40,000 देते हैं, और जो मतलब अपने कैटेगरी वाले हैं जो एससी एसटी वगैरह उनके लिए हम 60,000 रुपये देते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट वाले भी आए थे, पीएचई वाले भी आए हैं, जो पानी की समस्या उसके लिए भी हम बातचीत करते हैं, बिजली वाले भी आए हुए हैं। तो इसके बारे में ये होगा, एक बात है कि हमारे जो पंचायत है, पंचायत हठोन जो है या इसके साथ अठियालता पंचायत है, ये बहुत एक फार फ्लॉन्ग